दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जैसे आप लोग फ्री फायर मैक्स OB38 का अपडेट किए एंड आप लोग जैसे फ्री फायर मैक्स को ओपन करने जा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एरर डाउनलोड फ्रेंड रिटायर्ड। जैसे आप लोग ओके पे क्लिक करते हैं फिर भी आप लोग को यही सेम प्रॉब्लम आप लोग को दिखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 101% इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन कर पाओगे। तो चले गए बिना टाइम के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है दबा के हमें सेट कर देना, क्योंकि जैसे मैं फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है डाउनलोड फाइल रिटायर, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली जो मैं आप बताऊंगा स्टेप को उनको आप लोग को फॉलो करना है एंड ध्यान से आप लोग को वीडियो को देखना है एंड वीडियो को आप लोग थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो चले गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सिंपली आप लोग को फ्री फायर मैक्स को बैक करना है एंड बैक करने के बाद आप लोग को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बैक करना है फ्री फायर मैक्स को। एंड यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एक बार फोन का जो सिम है उसको फ्लाइट मोड करना है। जी हाँ, कैसे आप लोगों ने फ्लाइट मोड करना है, एक बार फ्लाइट मोड करके ऑन करना है, देख लेना अगर ऑन हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो आप लोग को सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, अपना जो फ़ोन है उसको आप लोग को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। जी हाँ, कैसे आप लोगों ने सही सुना, एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करके ऑन करना है। अगर आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सही है, रीस्टार्ट करके अगर नहीं होता है तो आप लोग आगे स्टेप जो बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए। फ्री फायर मैक्स को एक बार लॉन्ग प्रेस करना है एंड आप लोग को नीचे स्टोरेज एंड क्लियर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड क्लियर कैच एंड क्लियर स्टोरेज। तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं देखना है, क्लियर कैच तो आप लोग कर देना है, कुछ भी नहीं देखना है, क्लियर कैच कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग क्लियर स्टोरेज नहीं करना है। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, अगर आप लोग क्लियर स्टोरेज करोगे तो आप लोग का जो बंडल वगैरह है डाउनलोड वो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्लियर स्टोरेज करोगे तो आप लोग का जो कि यहाँ पे बंडल वगैरह है वो फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर कैच करके आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप लोग क्लियर डाटा करके भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो।